हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्कल चैप्टर की वीडियो नंबर 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ओके स्टूडेंट्स, ये ए पॉइंट मैंने ले लिया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट की लेंथ ए पॉइंट से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। ए पॉइंट से सर्कल के सेंटर पे कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो टेंजेंट की लेंथ हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आई रिपीट द क्वेश्चन, आई रिपीट द क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर, सेंटर से कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर का हमें नाम नहीं दिया है, तो हम सपोज कर लेते हैं ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं बी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें सबको मालूम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जब भी हम ज्वाइन करते हैं वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी ए। रीजन क्या होगा इसका? थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ओ बी बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी ओ ए कौन सी ट्राइंगल बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बी ओ ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी कैन यूज पीजीटी हियर, यूज पाइथागोरस थ्योरम नाउ। ओके स्टूडेंट्स, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, हमें बेस मालूम है, हमें परपेंडिकुलर निकालेंगे और परपेंडिकुलर ही सर्कल का रेडियस है और वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो पीजीटी इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस फिगर में हमें दिख रहा है 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज ओ बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। शिफ्ट 16 टू एल एच एस, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू इज 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। स्केयर को पीछे लेके आओ, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू ओ बी एंड 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 3 इज इक्वल टू ओ बी। इट मीन्स द लेंथ ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओ बी कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। वेरी मच सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सीख लेते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। एज यू ऑल नो, टू आर मोर सर्कल्स आर कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किए हुए ऑलरेडी ये हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर भी ये वाला है और इस सर्कल का सेंटर भी ये वाला है। अब फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस और सेकंड वाले सर्कल का रेडियस R1 और R2 यहाँ पे सेम नहीं ना है। सो टू सर्कल्स, टू आर मोर सर्कल्स आर कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर, इफ दे हैव बट डिफरेंट रेडियस। इन दोनों सर्कल का रेडियस क्या है? डिफरेंट है। तो इन दोनों सर्कल्स को हम कहेंगे, ये दोनों कौन से सर्कल्स हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें इस क्वेश्चन को करने से पहले, कंसेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन, टू आर मोर सर्कल्स आर कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये जो दो कंसेंट्रिक सर्कल है हमारे पास, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है और जो कॉर्ड होना चाहिए वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड होना चाहिए और स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए, और स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कॉर्ड बना लिया, दिस इज द कॉर्ड ए बी, हमारे पास ये कॉर्ड है और ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल को
टच भी कर रहा है तो हमें इसी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है. अंडरस्टैंड? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालना है. ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है. द लाइन सेगमेंट बोथ एंड पॉइंट इज द सर्कल. इंट्रोडक्शन में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. जो बच्चे लेक्चर नंबर 01 नहीं देख के आए, 01 देख के आए, 02 देख के आए, लेक्चर नंबर 03 देख के आए, फिर इस वीडियो के ऊपर आए. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. तो ए बी जो है बड़े सर्कल का कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल को टच भी कर रहा है. हमें इसी कॉर्ड की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए बी विद द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल. ए बी जो है लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी. इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं पी. ओके स्टूडेंट्स, और हमें क्या कहा हुआ था? स्मॉलर सर्कल का रेडियस 3 है और बड़े सर्कल का रेडियस 5 है. रेडियस ए का 5 है सेंटीमीटर और ए का 3 सेंटीमीटर. अगर मैं यहां से जॉइन करूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस बन गया. अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से, सपोज करो सेंटर का नाम ओ है, अगर सेंटर पॉइंट से मैं इस ए पॉइंट को जॉइन करूं, आपको दिख रहा होगा ये तो बड़े सर्कल का रेडियस बन गया. बड़े सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबको मालूम है ये जो कॉर्ड है बड़े सर्कल का, वो छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, क्योंकि वो छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर. क्या होता है? परपेंडिकुलर. अगर परपेंडिकुलर है तो पी ओ ए बन गई राइट एंगल ट्राइंगल. हमें हाइपोटेन्यूज मालूम, हमें परपेंडिकुलर मालूम, तो मैं क्या बेस निकाल सकता हूं? एपी. हमारे पास एपी आ गया. मैंने पूरा निकालना है, एपी निकाल लेंगे वो भी. बच्चों अगर मैं ओ बी को भी ज्वाइन करूं, आपको दिख रहा होगा जो ओ से लेके बी तक है वो भी बड़े सर्कल का रेडियस है, और कितना होगा ये? 5 सेंटीमीटर. कितना होगा ये? 5 सेंटीमीटर. अब देखिए ध्यान से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस परपेंडिकुलर, तो पी ओ बी भी बन गई राइट एंगल ट्राइंगल. हमें हाइपोटेन्यूज मालूम, हमें परपेंडिकुलर मालूम, तो बेस पी बी भी निकाल लेंगे पीजीटी लगा के. हमें ए पी मिल गया, हमें पी बी मिल गया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा. हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल निकल जाएगा और जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल. ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसका प्रूफ. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. रीजन इज थ्योरम नंबर 10.1. थ्योरम नंबर 10.1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस परपेंडिकुलर, देयरफॉर POA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. POA राइट एंगल ट्रायंगल, यूज PGT, यूज पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ PGT? H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. तो कितना है हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस फिगर में? 5 स्क्वायर इक्वल बेस हमारे पास है एपी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 को लेके आओ पीछे. 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर. 25 माइनस 9 इज 16 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर. स्क्वायर को पीछे लेके आओ, रूट 16 इज इक्वल टू एपी. और हमको मालूम है 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू ए. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ए से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाल लिया, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाल लिया. मैं कर लेता हूं यहां पे टिक. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ध्यान से, पी ओ बी ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है 5 और परपेंडिकुलर है 3, और इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर 3. अगर इस केस में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सेम था, बेस निकला था 4. इस केस में भी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सेम है तो बेस कितना निकलेगा? 4. इट मींस मैं यहां पे लिख दूंगा सिमिलरली, इसी तरह से जो हमारे पास पी से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? पी से लेके बी तक का डिस्टेंस ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? यहां पे पीजीटी लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया. इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 5 परपेंडिकुलर 3, पीजीटी लगाया, एपी आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूज 5 परपेंडिकुलर 3, तो बेस यहां पे भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर. एपी 4 पीबी 4, हमें क्या निकालना है? हमें एबी निकालना है. तो आपको आंसर मिल गया होगा, देयरफॉर एबी इज इक्वल टू, फिगर में देखें एबी किसके इक्वल होगा? एपी प्लस पीबी. एपी प्लस पीबी
एबीबी फोर, पीबीबी फोर, 4 + 4 इज 8 सेंटीमीटर, तो हमने एबी निकाल लिया. ओके स्टूडेंट्स, और एबी फिगर में क्या है, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया. फटाफट स्क्रीन चार्ट ले और साथ साथ वन बाय वन, ऐसा नहीं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप एक क्वेश्चन को देखें अच्छे से अंडरस्टैंड करें फिर उसको सॉल्व करें, पास करके उसको यहां से राइट करें फिर सॉल्व करें, जब प्रिपेयर हो जाए फिर वीडियो को कंटिन्यू करें फिर आगे वाले क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें. बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट में फिगर ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है. क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबर सर्कल. ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर क्या है, सर्कल है. ओके, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइबर सर्कल इन इट, सीन फिगर, फिगर में दिया हुआ है. सो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रूव दैट मिस हो गया मेरे से, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या प्रूव करना है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट में. ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, अपोजिट साइड का सम हमें इक्वल प्रूव करना है. ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू वट, ए डी प्लस बी सी. ठीक है स्टूडेंट्स, चलते करते हैं साथ. सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आपको फिगर में दिख रहा होगा जो पॉइंट ए है, आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ये इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ होती है इक्वल, जितना ए पी होगा उतना ही ए एस होगा, थ्योरम नंबर 10.2. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन में अब हम थ्योरम 10.2 का यूज करेंगे. अप टू सिक्स्थ क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन में थ्योरम नंबर 10.1, 7 क्वेश्चन तक का यूज हुआ है, अब थ्योरम नंबर 10.2 भी स्टार्ट हो गया यूज होना. यहां देखें जो पॉइंट ए है वो सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, इट मींस AP इज इक्वल टू AS. जो पॉइंट बी है ये भी इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, BP इज इक्वल टू BQ. सी जो पॉइंट है ये भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, इट मींस CR इज इक्वल टू CQ. डी जो है ये भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट की लेंथ इक्वल, DR इज इक्वल टू DS. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. अगर ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, थ्योरम नंबर 10.2. ओके स्टूडेंट्स, ए पी इक्वल टू ए एस, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू BQ. Similarly, CR is equal to CQ. CR equal to CQ. DR is equal to DS. DR is equal to DS. Mark this equation as first, this equation as second, third, and then fourth. In sabka reason kya hai students? Length of the tangent drawn from external point of a circle are equal. Length of the tangent, theorem number 10.2, okay? Drawn from where? Drawn from external point of a circle are equal. Okay. सबका रीजन एक साथ हमने लिख दिया. Students, अब हम इन सभी इक्वेशन को कर लेते हैं एड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. LHS LHS एड होगी, RHS RHS, तो LHS में क्या है हमारे पास, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखें फिगर में ए पी प्लस बी पी क्या है, ए पी प्लस बी पी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा पूरा, ए बी. इस पूरे की जगह लिख दिया हमने ए बी, प्लस को लिखा है एज इट इज. अब देखिए CR plus DR, ये फिगर में क्या है, CR plus DR, जब मैं CR को DR में प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा पूरा CD, CD is equal to AS plus BQ, AS plus BQ नहीं बन रहा है, AS के साथ होना चाहिए था DS, AS तो है plus DS भी है,
तो AS प्लस DS, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, AD, AD क्या रह गया प्लस BQ प्लस CQ को प्लस करके कुछ आता है, चेक करें, BQ प्लस CQ इज व्हाट, BC, BC, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, इट मींस क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया खत्म। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, इस क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट, एक्स वाई और जो एक्स डैश वाई डैश है ये दो पैरेलल टेंजेंट है उस सर्कल के ऊपर जिसके सेंटर का नाम क्या है ओ, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी एक टेंजेंट और है ए से लेके बी तक विद पॉइंट ऑफ कंटेक्ट सी, ए बी एक टेंजेंट और है जिसका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कितना है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए, जो ये ए बी टेंजेंट है वो एक्स वाई को ए पॉइंट पे टच कर रहा है और ये जो ए बी टेंजेंट है वो एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे टच कर रहा है, ये कहाँ हुआ है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी ये एंगल बच्चों हमने 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज ऑफ 90 डिग्री, ए ओ बी इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे जाइन ओसी, ओसी को कर लेंगे जाइन, यहां से ब्लैक इंक कर लेता हूं, जाइन ओसी, ओके स्टूडेंट्स, जाइन ओ सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी को कॉन्गुरेंट प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस ट्राइंगल में ए ओ पी ट्राइंगल में और ए ओ सी ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा ओ पी और ओ सी, ओ पी ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड, ओ सी नीचे वाली ट्राइंगल की साइड, और ये इक्वल हो गए क्योंकि रेडियस है दोनों सेम सर्कल के, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा होगा ओ ए जो है ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड भी है, ओ ए नीचे वाली ट्राइंगल की साइड भी है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, रीजन इज कॉमन। नेक्स्ट जो रीजन है स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये जो ए पॉइंट है इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एपी और एसी इनकी लेंथ इक्वल होगी और जो हमारे पास एपी है वो ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड है और जो एसी है वो नीचे वाली ट्राइंगल की साइड है, तो सबसे पहले यहां लिख दूंगा मैं अब यहां पे एपी इज इक्वल टू एसी, इसका रीजन होगा थ्योरम नंबर 10.2, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, तीन चीजें हो गई इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल एओपी कांगुरेंट टू ट्राइंगल AOC by side rule, which rule? Side, तीनों साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, ओके स्टूडेंट्स। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट होगी तो करस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला एंगल ऊपर वाली ट्राइंगल का और ये वाला एंगल नीचे वाली ट्राइंगल का इक्वल हो जाएगा, इसको नाम दे देता हूँ मैं वन, इसका नाम देता हूँ मैं टू, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल बाय CPCT, और इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं एज अ फर्स्ट इक्वेशन, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे BOC एंड BOQ, इनको भी करेंगे कॉन्गुरेंट। नाउ इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल विच वन, BOQ, आपको फिगर में दिख रहा होगा BOC, POQ, जल्दी से कर लेते हैं, OC ऊपर ट्राइंगल की साइड, OQ नीचे ट्राइंगल की साइड इक्वल होगी क्योंकि ये सर्कल के एक ही सर्कल के रेडियस है, फर्स्ट इज OC इज इक्वल टू OQ, रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम रीजन आएंगे जैसे हमने ऊपर वाली ट्राइंगल्स को कॉन्गुरेंट किया, ध्यान से देखते रहे, OB इस ट्राइंगल की साइड भी है, OB नीचे वाली ट्राइंगल की साइड भी है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, रीजन इज कॉमन। थर्ड वन इज आपको दिख रहा होगा जो बी पॉइंट है इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, सो BC इज इक्वल टू BQ, BC इज इक्वल टू BQ, रीजन इज थ्योरम नंबर 10.2, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है थ्योरम की,
तो ट्राइंगल्स हो गई है कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओक्यू बाय साइड 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 रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये वाली और ये वाली ट्राइंगल भी हो गई है कॉन्ग्रुएंट, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल सपोज एंगल 3 है, सपोज ये वाला एंगल एंगल 4 है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड, एंगल 4 नीचे वाली ट्राइंगल का एंगल, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन बाय CPCT। ओके स्टूडेंट्स, 1 हमने 2 के इक्वल प्रूव कर दिया और 3 हमने 4 के इक्वल प्रूव कर दिया। ओके फिगर को नीचे लेके आते हैं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स जो पीक्यू है, पीक्यू एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो सबसे पहले यहां पे लिखूंगा पीक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पीक्यू इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सभी एंगल का सम 180 डिग्री, इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है एक बार फिर से देख लें, हमें एंगल ए ओ सी इस पूरे एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, इस पूरे एंगल को हमने क्या प्रूव करना है बच्चों 90 डिग्री। अब इस पूरे एंगल में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इट मींस हमें एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या प्रूव करना है 90 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे 2 और 3 को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा 1 की जगह एंगल 2 लिख दूंगा, 1 की जगह 2 लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 1 की जगह लिख दूंगा एंगल 2, एंगल 2 को रहने दो ऐसे ही, एंगल 3 को रहने दो ऐसे ही, एंगल 4, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें इसको, 4 की जगह लिख दें एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 2 टाइम एंगल 2, ट्वाइस टाइम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज ट्वाइस टाइम एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 ले लो कॉमन अंतर आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आरएचएस में हो जाएगा डिवाइड, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180.2, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब ध्यान से फिगर में देखें 2 और 3 को कौन से एंगल है, 2 और 3 एंगल ए ओ बी है, तो इसी को हमने 90 डिग्री प्रूव करना था। अब 2 और 3 की जगह लिख दूंगा मैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, आई रिपीट, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर रहे और इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूं, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी। क्वेश्चन था प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए और इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, उन दो एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें कहा हुआ था एक एंगल तो हमें ये दिया हुआ है और बोला हुआ ये एंगल सप्लीमेंट्री है किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सेंटर। कहने का मतलब जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो टेंजेंट के दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब हम सेंटर से जॉइन करते हैं, सेंटर से जॉइन करते हैं, दूसरा एंगल ये वाला, सपोज सेंटर का नाम ओ है, इन दो एंगल्स को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। इसका मतलब इन दो एंगल का सम, लेट अस सपोज इस एंगल का नाम एंगल 1 है, इस एंगल का नाम एंगल 2 है, तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। वन मोर टाइम आई रिपीट द क्वेश्चन,
क्वेश्चन इज प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इस एंगल की बात की हुई है, वो वाला एंगल जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, अगर सप्लीमेंट्री है तो दूसरा एंगल भी होगा, दूसरा एंगल कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कनेक्ट एट सेंटर, पॉइंट ऑफ कनेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं और दूसरा एंगल जो सेंटर पे बनता है, दूसरा एंगल ये वाला है, इन दो एंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, करते हैं प्रूफ इसको, प्रूफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वी नो दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर, थ्योरम नंबर 10.1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यही लिखने वाले हैं, ओ बी परपेंडिकुलर ऑन बी ए एंड ओ सी परपेंडिकुलर ऑन सी ए, रीजन इज थ्योरम नंबर 10.1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा ए सी ओ बी एक बन गई है क्वाड्रिलेटर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, नाउ ए सी ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटर, अगर ए सी ओ बी क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड, वी नो दैट फोर साइडेड क्लोज फिगर इज अवर क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है 90, ये भी हमें दिया हुआ है 90। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू रेडियस इज परपेंडिकुलर, इट मींस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, रीजन इसका होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, रीजन में लिख देता हूं यहां पे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, 90 प्लस 90 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कीप एज इट इज, 90 प्लस 90 इज 180 इज इक्वल टू 360। ओके स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कीप एज इट इज, 180 को वहां लेके जाओ, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 360 में से 180 डिग्री करें माइनस तो कितना आ गया 180 डिग्री, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एंगल 1 और एंगल 2 को हमने सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया है, वो एंगल जो दो टेंजेंट के बीच में है और वो वाला एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जॉइन करके बनता है, इन दोनों एंगल को हमें क्या प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री। तो नीचे में लिख देता हूं, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड एंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट सेंटर इज सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एंगल जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है और पॉइंट ऑफ नेटवर्क सेंटर के से जब जॉइन करते हैं वो एंगल, उन दोनों को हमने सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट।